पर पीएम मोदी की स्पीच चल रही है। राष्ट्रपति महोदय जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की कोटि कोटि बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर भी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने आदिवासी समाज का गौरव तो बढ़ाया ही है, लेकिन आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हूं। राष्ट्रपति जी के भाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा गया। एक प्रकार से देश को अकाउंट भी दिया गया, इंस्पिरेशन भी दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, हर किसी ने अपने अपने आंकड़े दिए, अपने अपने तर्क दिए और अपनी रुचि प्रवृत्ति प्रकृति के अनुसार सबने अपनी बातें रखी। और जब इन बातों को गौर से सुनते हैं, उसे समझने का जब प्रयास करते हैं, तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है। मैं चर्चा में शामिल सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं गलत आप चुप रहिए। नो I'm
पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात बड़ा, शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था कुछ लोग कन्नी भी काट गए, और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज आपको नफरत भी दिखाई दी है, प्लीज। और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है? देखिए, सदन सदन के तरीके से चलेगा। आप लोग बोले थे, सबने सुना था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, नो गलत। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। ये खुशी है, ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी के भाषण पे चर्चा मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि बहुत सी बातों को मौन रह कर भी स्वीकार किया गया है, यानी एक प्रकार से सबके भाषण में देख सुनता था तब लगा कि राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति किसी को इतराज नहीं है, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की, भाषण की हर बात। अब देखिए क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने, मैं उन्हीं के शब्द कोट करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था, जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था, जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है। ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूं वो राष्ट्रपति जी के भाषण के पैराग्राफ को मैं कोट कर रहा हूं, और मुझे आशंका थी कि ऐसे ऐसी बातों पर यहां जरूर इतराज करने वाले तो कुछ लोग निकलेंगे,
वो विरोध करेंगे, ऐसा कैसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन मुझे खुशी है किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि सबके प्रयास के परिणाम आज इन सारी बातों को पूरे सदन में स्वीकृति मिली है। इससे बड़ा गौरव का विषय क्या होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन में हंसी मजाक, टीका टिप्पणी, नोकझोंक ये तो होता रहता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं, गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है, देश ने सेलिब्रेट किया है। माननीय अध्यक्ष जी,